नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसटी कर्मचारियों ने शरद पवार के घर के सामने किया आंदोलन, मांगे पूरी नहीं होने पर आक्रोशित हुए कर्मचारी। लूट का नाटक कर हड़पे 12,50,000 रुपए, शांतिनगर और क्राइम ब्रांच पुलिस ने की कार्रवाई। और महावितरण को 18,000 करोड़ दे महाराष्ट्र सरकार, विधायक चंद्रशेखर बावनकुए ने की मांग। अब खबरें विस्तार से। विलकीकरण की मांग पूरी नहीं होने के विरोध में एसटी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुंबई में शरद पवार के घर के बाहर आंदोलन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शरद पवार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने एसटी कर्मचारियों से पीछे हटने का अनुरोध किया, लेकिन कर्मचारी पीछे नहीं हटे। शुक्रवार को शरद पवार की आवास सिल्वर ओक पर एसटी कर्मचारियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन में खुद सांसद सुप्रिया सुले आ गए। उन्होंने कहा कि मैं सभी प्रदर्शनकारियों से चर्चा के लिए तैयार हूँ। पत्थर फेंकने और सैंडल फेंकने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सुप्रिया सुले ने सभी को शांत रहने का आह्वान किया। बता दी कि शरद पवार के आवास के बाहर पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। मुंबई पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी आंदोलन स्थल पर पहुंचे। हालांकि इस दरमियान प्रदर्शनकारियों ने शरद पवार और अजीत पवार के खिलाफ कर नारेबाजी की। पुलिस कर्मचारी आमचे बलिदान झाले, याला एकमेव कारणीभूत आहेत शरद पवार साहेब, कारण याची संघटना या एसटी महामंडळामध्ये गेली 25 वर्ष राज्य करत आहे आणि त्यांच्यामुळे आमच्या एसटी कर्मचाऱ्यांची ही गत आहे, त्यामुळे त्यांचा अधिकार असो निकार असो अधिकार असो। हे बघा, हे चोरांचं सरकार, इतले वयोवृद्ध पुढारी शरदचंद्र पवार, हे एसटीच्या कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येस पूर्ण जबाबदार आहेत। चार मनुष्यवधाचा गुन्हा दरा करा। हे चोरांचं सरकार आहे, हे चोरांचं सरकार आहे। आमच्यावर अन्याय होतो दिसत नाही का? महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये आमचा वाटा आहे, आमचा। आम्ही महाराष्ट्रातले साथ पुल के पास एक कबाड़ व्यवसायी ने नौकर ने लूट का नाटक रचा और नगद 12,50,000 रुपए हड़प लिए, लेकिन उसका यह नाटक ज्यादा देर तक नहीं चला। पुलिस ने जब फुटेज को आधार बनाकर पूछताछ की तो उसने मां के इलाज के लिए घटना को अंजाम देने की मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 ने पूछताछ के दौरान नौकर विपुल पराते मेहंदीबाग रोड हनुमान मंदिर पाचपावली निवासी को शांतिनगर पुलिस के हवाले कर दिया। उल्लेखनीय है कि किसी को शक न हो इसलिए विपुल ने खुद को ब्लेड से 2 बार जख्मी तक कर दिया। विपुल पराते भारत माता चौक इतवारी में कबाड़ कारोबारी संकेत मुरकुटी नंदनवन निवासी की कार्यालय में 8 माह से नौकरी कर रहा है। संकेत सरकारी कार्यालयों का कबाड़ खरीदने का ठेका लेता है। गुरुवार की शाम को विपुल को संकेत ने नगद 12,50,000 रुपए देकर घर पहुंचाने को कहा। विपुल दोपहिया पर रकम लेकर निकला। पश्चात संकेत को विपुल ने पेवठा मास्का साथ पुल से फोन किया कि उसे 6-7 लुटेरों ने ब्लेड से जख्मी कर लूट लिया है। संकेत और कार्यालय के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना मिलने पर शांतिनगर और क्राइम ब्रांच पुलिस की यूनिट 3 की टीम भी पहुंच गई। घायल विपुल को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जल्द ही क्राइम ब्रांच ने आरोपियों की खोज शुरू की तो परिसर के फुटेज जांच में विपुल का सच बाहर आ गया। लूटपाट की कोई घटना नहीं हुई थी, उसने खुद को ब्लेड मारकर जख्मी किया था। पुलिस ने यह सच संकेत मुरकुटी को दिखाया। पश्चात पुलिस ने विपुल को इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि सच का पता चल गया है। काल आम्ही 8 ते 8:30 दरम्यान संध्याकाळी एक कंट्रोलवरून फोन आला होता की संकेत विजयराव मुरकुटे यांचे पैसे विपुल राजेश पराते हा त्याच्या मामाच्या घरी पोहोचवायला जात असताना
पाच लोकांनी त्यांना अडवून ब्लेडने मारून लूटपाट केल्याची घटना कंट्रोलला माहिती दिली. त्याच्यावरून आम्ही व क्राईम ब्रँच स्पॉटवर पोहोचलो. संकेत विजयराव मुरकुटे याची खात्री केली. तो भंगार व्यवसायी आहे. त्याच्याकडे जमा असलेले पैसे त्यांनी त्याच्याकडे काम करणारा विपुल राजेश पराते त्याच्यामार्फतीने त्याच्या मामाच्या घरी पोचवायचे होते पैसे. त्या दरम्यान विपुल राजेश पराते हा मामा सुरेश वारतकर लालगंज मस्कासात पुलिया जवळ तेलीपुरा पेवठा नागपूर इथं जात असताना त्या विपुल राजेश परातेच्या मनात वाईट भावना आली की हे पैसे तिथं पोचवण्यापेक्षा आपण काहीतरी बनावट करावं. त्या उद्देशाने त्यांनी त्याच्या घरी पोचवून दिला, मेहंदीबागला पोचवून दिला, बॅग ठेवला 12,94,000 आणि त्याचा मोबाईल पण तिथं ठेवला. येऊन मस्कासात पुलियाजवळ लूटपाट झाल्याची घटना तो कॅमेऱ्यामध्ये स्वतःच ब्लेड मारतो आहे. ब्लेड मारून कंट्रोलला माहिती दिली, मालकाला माहिती दिली. त्या परिस्थितीनुसार आम्ही ताब्यात घेऊन पूर्ण CCTV कॅमेरा व्हेरीफाय केला आम्ही आणि क्राईम ब्रँच युनिटचे 3A अधिकारी. ते खात्री केल्यानंतर वाटलं की हे असा लूटपाट झाली नाही. तर विश्वासात घेऊन विचारल्यानंतर तो सांगितलं की घरी पैसे आहे, घरी पैसे रिकवरी केले आम्ही. आणि फिर्यादी मालक जो पैशाचा मालक होता संकेत मुरकुटे यांनी त्याच्यासोबत असलेला नोकर हा विश्वासघात केल्याचा रिपोर्ट दिल्यावरून आम्ही गुन्हा दाखल केला, पैसे जप्त केलं, आरोपीला अटक केलं. माननीय DCP आव्हाड साहेब, ACP थोरबोले साहेब यांच्या मार्गदर्शनात हा तपास सुरू आहे. तपास API बकाल हे करत आहे. त्याला सखोल विचारपूस केलं असतं, त्याचं आईच्या ट्रीटमेंटसाठी पैसे लागत होते, त्याच्यामुळे त्याच्या डोक्यात आलं की झटपटमध्ये पैसे भेटून जाईल आणि आईचं ट्रीटमेंट होईल. त्या उद्देशाने त्यांनी नोकरच मालकाचा विश्वासघात केलेला आहे. उपचार के बाद पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की तो उसने बताया कि मां के इलाज के लिए पैसे की लूट का नाटक किया. आरोपी विपुल कुछ दिनों से प्लानिंग में था. गुरुवार को मौका मिलते ही उसने घटना को अंजाम दिया. आरोपी से 12,50,000 नकद सहित 12,94,000 रुपए का माल जब्त कर लिया है. इस घटना में और कौन शामिल है इस दिशा में भी पुलिस जांच कर रही है. कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, VKB न्यूज, नागपुर. महाराष्ट्र सरकार महावितरण को जल्द से जल्द 18,000 करोड़ दे ऐसी मांग करते हुए भाजपा विधायक चंद्रशेखर बावनकुए ने कहा कि महावितरण के पास कुछ भी पैसा बचा हुआ नहीं है. एक और सरकार किसानों से बिजली बिल के पैसे लूट रही है, वही दूसरी ओर महावितरण के पैसे भी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से महावितरण को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है और इसका भुगतान महाराष्ट्र की जनता को करना पड़ रहा है. सरकार के आपसी झगड़ों के कारण महावितरण को पैसे नहीं मिल रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया. महाराष्ट्र सरकार ने 18,000 करोड़ रुपये तातड़ी ना वित्त विभाग ने महावितरण ला दिल्याची गरज आहे. महावितरण कडे पैसा नहीं है, ते ओपन एक्सेस मधून घेऊ शकत नहीं है. कोळसामध्ये त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर टंचाई निर्माण झाली आहे. कोळसा कंपनीचे पैसे थकित झाले आहे आणि त्यामुळे 18,000 कोटीचा कॅश फ्लो जो वित्त विभागाने महावितरणच्या थांबवला आहे. अनेक विभागाकडे पैसा प्रलंबित आहे, राज्य सरकारकडे त्या विभागाकडे प्रलंबित आहे. इकडे शेतकऱ्याकडचा 500 रुपयाची वीज कापताय आणि दुसरीकडे 18,000 कोटी रुपये राज्य सरकारकडे थकित आहे. राज्य सरकार हे शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वादात हा पैसा अडकलेला आहे. राज्य सरकारने लक्ष टाकावं आणि महाराष्ट्राला वाचवावं. महाराष्ट्र होरपडतो आहे. महाराष्ट्र आता लोडशेडिंगखाली गेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये 12/12/2012 लोडशेडिंगमुक्त महाराष्ट्र करू अशी घोषणा तेव्हाच्या सरकारने केली, पण तेव्हाच्या सरकारने लोडशेडिंगमुक्त महाराष्ट्र केला नाही. महाराष्ट्र जेव्हा देवेंद्र फडणवीस सरकार आलं तेव्हा 2014 ते 2019 या काळात काम करून मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करून ट्रान्समिशन जनरेशन आणि महावितरणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून आम्ही राज्य लोडशेडिंगमुक्त केलं. पण आज परिस्थिती अशी आहे, राज्य अंधाराकडे चाललं. आज महाराष्ट्राचा जो क्रमांक 1 लाखाचा तो 7-8 वर चालला. यांना कोळशाचं नियोजन करता आलं नाही, कोयना प्रकल्पाचं नियोजन करता आलं नाही. 18,000 कोटी रुपये राज्य सरकारने फसवून ठेवले आहेत. राज्य सरकारांना पैसे देत नाही आहे. तीनही पक्षाच्या वादामध्ये महाराष्ट्र होरपडत आहे आणि तीनही कंपन्याचं नियोजन शून्य कारभारामुळं. आणि आत्ताही त्यांना माझी विनंती आहे की नियोजन शून्य कारभार टाळा, तीनही कंपन्यासोबत बसा. 25,000 मेगावॅट वीज आम्ही ट्रान्सफर केली त्या काळात, ट्रान्समिट केली. कुठेही कंस्ट्रक्शन आलं नाही, कुठेही ट्रान्सफॉर्मर फेल झाले नाही. पण आत्ता हे होत आहे, शेतकऱ्याला केवळ 2 तास वीज मिळत आहे. काल मी भंडारा जिल्ह्यात गेलो, 2 तास वीज मिळाली. इतकं वाईट स्थिती सुरू आहे महाराष्ट्रामध्ये. जळगावमध्ये 2 तास वीज मिळत आहे. त्यामुळं राज्य सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांना 8 तास ते 12 तास वीज द्यावी, पूर्णवेळ वीज द्यावी. कुठेही कंस्ट्रक्शन निर्माण होऊ नये. फिडरचं फेलोरचं फिडरचे त्या ठिकाणी
ट्रिपिंग थांबवावं, ट्रान्समिशनचे कन्स्टंट त्या ठिकाणी होऊ नये असं त्या ठिकाणी पूर्ण नियोजन करून राज्य हे जे अंधारात चाललं आहे त्याला आज राज्याचं नाव जे महाराष्ट्राचं नाव संपूर्ण देशामध्ये वाईट होत आहे हे थांबवावं। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ ईडी द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में शिवसैनिकों ने संविधान चौक पर प्रदर्शन किया। संपर्क प्रमुख विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में हुए इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शिवसैनिक शामिल हुए। इस दरमियान आंदोलनकर्ताओं ने कहा कि संजय राउत बाला साहेब की शिव सैनिक है। ईडी उनके खिलाफ सिर्फ इसलिए कार्रवाई कर रही है क्योंकि उन्होंने ही राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार की नींव रखी और भाजपा के 105 विधायकों को घर बैठना पड़ा। इससे देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनने का सपना अधूरा रह गया। केंद्र की भाजपा सरकार बदले की भावना से राउत पर ईडी से कार्रवाई करा रही है। उन्होंने कहा कि झूठे आरोपों से बदनाम करने वाले किरीट सोमैया के खिलाफ एनआईएस विक्रांत जहाज मामले में एकत्रित धन का व्यक्तिगत उपयोग करने के लिए देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। गेल्या 2.5 वर्षापासून जेव्हापासून महाविकास आघाडीचं सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झालेलं आहे त्या दिवसापासून दिल्लीमध्ये सगळ्यांच्या पोटात हे दुखणं सुरू आहे। त्यांना महाराष्ट्रात सत्ता हवी आहे, त्या सत्तेच्या लालसेपोटी आज भारतीय जनता पार्टी विविध प्रयोग करू पाहते। गेल्या 2.5 वर्षामध्ये शिवसैनिकांकडे म्हणा किंवा शिवसेनेच्या मोठ्या नेत्यांकडे कुठल्या ना कुठल्या कारणानं त्यांच्या घरी जाऊन त्यांची चौकशी करणे, त्यांच्या मालमत्तेवर टाच हा जो नवीन शब्द आता आलेला आहे टाच आणणे, आज आमच्या राऊत साहेबांनी जे धाडस दाखवलं आणि यांना सत्तेपासून दूर ठेवलं त्याचाच हा आम्हाला आता परिणाम भोगावा लागतो आहे। इतक्या वर्षापासून कधी ईडी सीबीआय ही महाराष्ट्रात धुमकूनसुद्धा पाहत नव्हती, पण आज ही परिस्थिती त्यांनी महाराष्ट्रावर आणून ठेवलेली आहे। आम्हाला या गोष्टीचं फार दुःख आहे की सत्तेसाठी माणसाला एवढं सगळं करावं लागतं आणि त्याच्यानंतरसुद्धा सत्ता स्थापन करता येत नाही म्हणून हे सगळे प्रकार सुरू आहे। पण आज आम्ही तुम्हाला इथे सर्व नागपूरकरांतर्फ सर्व शिवसैनिकांतर्फ शपथ देतो की अशा कुठल्याही धमक्यांना किंवा अशा कुठल्याही प्रकाराला आम्ही बळी पडणार नाही। जी कारवाई करायची ती त्यांनी करून घ्यावी। शिवसैनिक शिवसेनेचे नेते माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत हे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो। आणि आमचे नेते आज संपर्क प्रमुख माननीय दुष्यंतजी चतुर्वेदी आज नागपुरात नाही आहे, पण त्यांच्या अनुपस्थितीतसुद्धा आज आम्ही इथे कार्यक्रम ठेवला। याचं कारण हेच की आम्हाला यांना हे सिद्ध करून दाखवायचं आहे की अशा प्रकारे तुम्ही आमच्यावर असं अतिक्रमण करू शकत नाही, अशा तुम्ही कुठल्याही प्रकारच्या ज्या कारवाया चालू आहे अतिरेकी कारवायाच आहेत, त्या दुसरं काही नाही, ते सुरू आहे त्या त्यांनी बंद कराव्या आणि जसं तुम्हाला जेव्हा वेळ येईल 2.5 वर्षानंतर तेव्हा परत सत्ता स्थापन करावी आपण आपल्या मेहनतीनं, ही आमची त्यांना एक समज आहे। दोन आंदोलन नेते आंदोलन फक्त विक्रांत जो विषय होता म्हणजे किरीट सोमयानी जे पैसे जे गब्बा केलेले आहेत किंवा जे पैसे त्यांनी खिशात कोणाच्या टाकले आहेत त्याच्या उत्तरासाठी ते आंदोलन, पण हे आंदोलन टोटल आमचे योद्धा संजयजी राऊत साहेब यांच्यासाठी हे त्यांना सपोर्ट म्हणून पूर्ण सपोर्ट म्हणजे काय शेवटी आमचे ते नेते आहेत आणि आमचे लाडके नेते असल्यामुळे त्यांच्यावर जी कारवाई करण्यात आली सूतबुद्धीनी, म्हणजे ही कारवाई फक्त याच्यासाठी आहे की त्यांनी 105 आमदारांनी घरी बसवलेलं आहे। ज्या वेळेला त्यांनी सकाळी शपथविधी घेतली म्हणजे भाजपनी त्यावेळेला फक्त एकच असा योद्धा होता आमच्या शिवसेनेतनं की जो ठामपणे ठंबीरपणे म्हणत होता की नाही फक्त मुख्यमंत्री हा शिवसेनेचाच होणार आणि ते त्यांनी करून दाखवलं, मग ती त्यांना कुठेतरी ती एक नाराजगी किंवा एक ते कटुता त्यांच्या ह्याच्यात आलेली आहे की आम्ही एवढं करून किंवा आमचं 105 आमदार असून आम्हाला घरी बसवलेलं आहे, मग ही सूतबुद्धीने त्यांनी केलं। त्यानंतर किरीट सोमयाजींचं
जे आता विक्रांतचं जे विषय निघालेलं आहे तेही राऊत साहेबांनी काढलेलं आहे. अच्छा, त्यांचं काय आहे म्हणजे प्रॉपर्टी ज्यांनी केलेली, कितीचं प्रॉपर्टी आहे, काय आहे? त्यांनी स्वयाच्यातनं केलेली प्रॉपर्टी आहे ती. त्यांचं नाव जबरदस्तीने गोवलं जात आहे. किरीट सोमय्यांचं फक्त हे झालेलं आहे की आपलं ठेवावं झाकून आणि लोकांचं पाहावं वाकून, हे पूर्ण भाजप नेत्यांचं झालेलं आहे. फक्त सोमय्यांचंच नाही, सगळ्यांनी आपापलं घरं पाहावं. सगळ्यांचे घर काचेचे आहेत. त्याच्यामुळे करताना, वागताना, बोलताना काही बोलायचं, काही हसायचं याला अर्थ नसतो. शेवटी ते इतके मोठे नेते आहेत, संपादक आहे एका मोठ्या दैनिकाचे. आणि अशा पद्धतीने या अशा कारवाया करणे, प्रेशराईज करणे की तुम्ही आता हे करा तर असं करू, त्यांना धमक्या देणे की तुम्ही आमच्यासोबत या, हे बरोबर नाही आहे. शेवटी ते आमचे नेते आहेत, म्हणजे बुलंद तोफ आहे आमची शिवसेनेची. आणि त्यांच्यावर तुम्ही कितीही प्रेशर करा, काही करा, ते खरे योद्धा आहेत आणि त्यांनी हे सिद्ध करून दाखवलेलं आहे. त्यांना काही फरक पडलेला नाही. त्यांचं रुटीन जसं आहे तसं सगळं चालू राहणार, कुठेच खंड पडणार नाही. त्यांनी काहीही करावं. इस वक्त शिवसैनिकों ने चेतावनी दी कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर बेवजह परेशान करने वाली कार्रवाई बंद नहीं की गई तो संजय राउत के समर्थन में शिवसैनिक किसी भी हद तक जा सकते हैं। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज, नागपुर. कोरोना संक्रमण करीब समाप्ति की ओर है, इसे देखते हुए पश्चिम नागपुर नागरिक संघ की ओर से श्री राम नवमी के अवसर पर रामनगर में 10 अप्रैल को शाम 5:30 बजे शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है. विगत 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कर दी गई श्री राम शोभा यात्रा इस वर्ष छोटे प्रमाण में पुनः शुरू की जा रही है. इस दरमियान बताया गया कि प्रशासन व पुलिस के नियमों का पालन करते हुए उनकी अनुमति से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है. पश्चिम नागपुर नागरिक संघ की धार्मिक विशेषता ऐसी रही है कि श्री राम पादुका की पालकी युवा मंडल अपने कंधे पर लेकर पूरे मार्ग पर घूमती है. शोभा यात्रा में इस वर्ष दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र की अयोध्या की प्रभु श्री रामचंद्र की प्रतिकृति व धनुर्धारी प्रभु श्री राम का चित्र रथ मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा. गए 2 साल से कोविड के डर की वजह से पूरे कार्यक्रम और मंदिर सब बंद थे. अभी जैसे जैसे कोरोना का प्रादुर्भाव कम होते जा रहा है तो मंदिर की एक्टिविटी चालू हो गई है. अभी ये जो शोभा यात्रा है ये हमारे 47 साल से निकल रही है, लेकिन कोविड की वजह से 2 साल की गैप हो गई थी. अभी इस साल हमने सोचे है कि परमिशन मिलने की थी, निर्बंध पूरे हटने के थे, कम से कम राम के चरण की जो पादुका यहाँ पे हम पूजा में रखते हैं उसको लेके एक छोटा सा प्रोसीजर निकालने की पहले तैयारी की है हमने. लेकिन जैसे 1 तारीख से बाद में गवर्नमेंट के ऑर्डर आ गए तो हमने छोटी मोटी तैयारी जो थी उसको थोड़ा सा और एनहांस रूप दिए कि ये शोभा यात्रा का रूप बना हुआ है. इस शोभा यात्रा में 6 झांकी है. ये 6 झांकी स्वयंचलित है और इसका स्वरूप बड़ा है. क्वालिटी इसके हमने जो है इसको बढ़ा दिया है. इसमें पहले हमने स्पॉन्सर नहीं लिए थे, मंदिर के तरफ से पूरी शोभा यात्रा निकालने वाले थे. इसके बाद में इसमें स्पॉन्सर भी जुड़ गए. एक जो रोकड़े ज्वेलर जो है, ये जो अपना राम का चित्रण जो है पहला, इसको लिए उन्होंने स्पॉन्सर किया है. दूसरा राम मंदिर जो है, राम मंदिर की प्रतिकृति बनी हुई है, ये लकड़ी की बनी हुई है. ये 14 फुट इसका शिखर है और बाकी जो दोनों घूमट है ये 7-7 फुट के हैं. और इसके सामने मूविंग राम की झांकी है जो हाथ में धनुष बाण लेके मूवमेंट करेगी. ये चित्र साउथ सेंट्रल जोन ने हमको स्पॉन्सर किया हुआ है. इसके बाद अपने से कौन, गोयल, गोयल जी, अतुल गोयंगा जी जो थे लोकल लोकल मॉल वाले, उन्होंने एक चित्र हमको स्पॉन्सर किया है. और फिर गैलेक्सी सोलर और एक मेंडेकर एंड फ्रेंड्स, ऐसे ही उन्होंने ये 6 चित्र स्पॉन्सर हुए हैं. और इसमें युवकों का अट्रैक्शन जो है ये बाबू का संदल का है. और इसके पीछे में जो चलेगी हमारी ये सलमान अपना बैंड है, यहाँ का सुयोग बैंड. इसके पास साथ भी 3 व्हीकल्स रहते हैं. नागपुर का जाना वाना बैंड है, ये हमारे साथ में रहेगा. इसके पीछे एक बस रहेगी जो सीनियर सिटीजन जो पूरे प्रदक्षिणा मार्ग में चल नहीं पाते तो उनके लिए एक बस का इंतजाम है. इसकी खासियत ये है शोभा यात्रा की, इसमें जो हमारे राम की जो ये रहती है पादुका, ये हाथ में पकड़ के पालकी चलती है जिसको स्वयंसेवक लेके चलते हैं. और जो पैर में नंगे पैर चलते हैं, पूरा 8 किलोमीटर का रूट है अप्रैल महीने का, तपे हुए रास्ते रहते हैं.
पूरे दंगे पर लेके चलते हैं ये 8 किलोमीटर। ये सुबह का करीबन करीबन 4 घंटे का ऐसा समय है हमारा फिनिशिंग का, ये यहाँ पे 5:30 बजे ऐसा स्टार्ट होती है। रामायण शोभा यात्रा में श्री राम के जीवन पर आधारित चित्ररथ श्री राम रथ, रामायण का चित्ररथ, प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन पर आधारित चित्ररथ तथा बाबुलगांव की संत शोभा यात्रा का समावेश रहेगा। श्री राम मंदिर रामनगर से शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा। पाजी प्रभु चौक, लक्ष्मी भवन चौक, मंदिर चौक, शंकर नगर चौक, बजाज नगर चौक, कॉफी हाउस चौक, झंडा चौक, लक्ष्मीनारायण लक्ष्मीनगर चौक, अभ्यंकर नगर चौक, वीएनआईटी गेट चौक, एलईडी कॉलेज चौक, हिल रोड मार्ग, बाजी प्रभु चौक, श्री राम मंदिर तक शोभा यात्रा का मार्ग रहेगा। मार्ग में जगह जगह पर शोभा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज नागपुर। खबरों के सिलसिले में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। अनिवार्य शिक्षा कानून के लिए आवेदन करने वाले हर पालक का सपना होता है कि उनके बच्चों का दाखिला किसी अच्छे अंग्रेजी स्कूल में हो जाए। पालकों की इसी ख्वाहिश की वजह से पिछले 10 सालों से लगातार RTE में हिंदी व मराठी माध्यम की सीटें खाली रहती थी। शैक्षणिक सत्र 2022 के लिए RTE के तहत पहली बार हिंदी व मराठी माध्यम की स्कूलों को विद्यार्थी मिले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों माध्यमों में दाखिला लेने के लिए आवेदन करने वाले सभी 122 विद्यार्थियों को चयनित स्कूलों में दाखिला दिया गया है। खास बात यह है कि RTE के लिए आवेदन फॉर्म में हिंदी व मराठी माध्यम के लिए आवेदन करने वालों में ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही शहर से भी आवेदन किए गए हैं। RTE की प्रवेश प्रक्रिया में यह पहली बार हुआ है कि किसी पालक ने अपने बच्चों का हिंदी अथवा मराठी माध्यम में दाखिला कराने के लिए आवेदन किया है। गत दिनों जारी हुई RTE की चयनित बच्चों की सूची के मुताबिक कक्षा पहले हिंदी माध्यम के लिए 54 व मराठी माध्यम में दाखिले के लिए 68 बच्चों के आवेदन शिक्षा विभाग को मिले थे। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी कहा है कि उन्हें खुशी है कि अब अंग्रेजी माध्यम के अलावा भी पालक अन्य माध्यमों में अपने बच्चों का दाखिला कराने लगे हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक नागपुर जिले में RTE के तहत पंजीकृत
663 स्कूलों में कुल 6,186 सीटें आरक्षित है। इसमें हिंदी व मराठी माध्यम की 900 से अधिक सीटें हैं। कुल सीटों में दाखिले के लिए 6,000 बच्चों का चयन किया गया है। शिक्षा विभाग के पास 31,411 पालकों के ऑनलाइन आवेदन पहुंचे थे। ईडी द्वारा एडवोकेट सतीश शुक्ला के खिलाफ की गई कार्रवाई का विरोध करते हुए शुक्रवार को शहर के अधिवक्ताओं की ओर से जिला सत्र न्यायालय के सामने आंदोलन किया गया। इस दरमियान अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ईडी कार्रवाई का जमकर विरोध किया। अधिवक्ताओं का आनंद बंद करे ईडी, बंद करे, बंद करे। अधिवक्ताओं का आनंद बंद करे ईडी, बंद करे, बंद करे। अधिवक्ताओं का आनंद बंद करे ईडी। ईडी द्वारा एडवोकेट सतीश उके के खिलाफ की गई कार्रवाई बिल्कुल गलत है, ऐसा कहते हुए शहर के वकीलों की ओर से शुक्रवार को जिला सत्र न्यायालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दरमियान उनका कहना था कि ऐसी कार्रवाई कहीं नहीं की गई है। वहीं जहां राज्य सरकार इस मामले में जांच कर रही थी, वहां केंद्र सरकार का दखल सरासर अधिवक्ताओं की आवाज को दबाने का प्रयास है। काही दिवस अगोदर जिल्हा वकील संघटनेचे सदस्य ऍडव्होकेट सतीश उके यांच्या घरी केंद्रीय संस्था ईडीने रेड करून त्यांना ताब्यात घेतलं व त्यांना अरेस्ट करून मुंबईला नेलं। जी झालेली कारवाई आहे ती अत्यंत चुकीची आहे। सतीश उके हे आपल्या अशिलाची बाजू न्यायालयासमोर खंबीरपणे निडरपणे मांडत होते। अनेक प्रकरण असे आहे की आपल्या सगळ्यांना माहितच आहे की मोठ्या मोठ्या नेत्यांच्या विरोधात त्यांनी इथे केसेस दाखल केलेल्या होत्या आणि त्या केसेसच्या माध्यमातून ते आपली कारवाई न्यायालयाच्या माध्यमातून करीत होते। त्याच्यामुळे अनेक लोकांना जो त्रास होत होता, काही ठराविक लोकांना, की ज्याच्यामुळे केंद्रीय संस्थेच्या माध्यमातून ही कारवाई करण्यात आलेली आहे। मला असं वाटत नाही की ज्या गोष्टींचा हवाला ज्यांनी स्पेशल कोर्टामध्ये दिला त्या याच्यामध्ये एवढंच सांगितलं गेलेलं आहे की सतीश उके यांच्या विरोधात जे काही कारवाई असेल, जे काही ऑफेन्सेस असतील, त्या ऑफेन्सेस हे ईडीच्या माध्यमातून त्यांनी कारवाई सुरू केली आणि मला असं वाटतं जी केलेली कारवाई ही चुकीची आहे। अशा पद्धतीची कारवाई कुठेच झालेली दिसत नाही। जिथे राज्याची संस्था, राज्याची ज्याला आपण म्हणू इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी काम करू राहिली आहे, अशा गोष्टीमध्ये केंद्राने उतरणं हे निश्चितच वकिलांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे आणि या गोष्टीचा आम्ही संपूर्ण वकील वर्ग निषेध करतो आणि या कारवाईला आम्ही विरोध करत राहू। इस दरमियान अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ईडी कार्रवाई का जमकर विरोध कर नारेबाजी की। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज, नागपुर। सस्ता अनाज दुकानदार संघ की ई पास मशीन की तकनीकी समस्या को दूर करने की मांग को लेकर 8 अप्रैल को तहसीलदार के कार्यालय में ई पास मशीन जमा कर दी गई। संस्था की ओर से 10 मार्च को अमरावती के उपायुक्त और 24 मार्च को जिला आपूर्ति अधिकारी अकोला को पोस्ट मशीन और खाद्यान्न वितरण की तकनीकी कठिनाइयों के संबंध में एक बयान प्रस्तुत किया गया। प्रशासन अभी तक सस्ता अनाज दुकानदार संघ की ई पास मशीन की तकनीकी महत्वपूर्ण समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया है। 4G के युग में मशीन में अभी भी 2G सिम कार्ड का उपयोग किया जा रहा है, साथ ही सर्वर हमेशा डाउन रहता है। राशन कार्ड का KYC धारकों को रद्द न करे मूर्तिजापुर सस्ता अनाज दुकानदार संघ की ओर से तहसीलदार को आज POS मशीन सरकार को सौंपने के लिए बयान जारी किया गया था, क्योंकि सरकार ने इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। हालांकि प्रशासन अभी तक इस महत्वपूर्ण समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया है। इस तरह 4G के युग में मशीन में अभी भी 2G सिम कार्ड का उपयोग किया जा रहा है। सरकार ने इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके चलते इस मुद्दे को लेकर निवेदन सौंपा गया। इस दौरान जिला कार्यकारी अध्यक्ष और तालुका अध्यक्ष कैलाश महाजन, जिला उपाध्यक्ष गजानन बोर्डे जैसे उचित मूल्य के दुकानदार मौजूद रहे। 10 मार्च रोजी अमरावती येथे विभागीय मीटिंग मध्ये ठरलं होतं की ज्या ई पॉस मशीन काम करत नाही आहे आणि दुकानदारांना नाहक त्रास होत आहे, कार्डधारकांना सुद्धा याचा त्रास होत आहे, ठरल्याप्रमाणे पुऱ्या महाराष्ट्रात 10 तारखेला ई पॉस मशीन जमा करण्यास ठरलं होतं। 10 तारखेला सुट्टी असल्यामुळे आज मूर्तिजापूर तालुक्यात सर्व दुकानदारांनी आपले ई पॉस मशीन माननीय तहसीलदार साहेब यांच्याकडे जमा केलेले आहे व आता पुढील कारवाई शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे होईल, याची दखल घ्यावी व शासनाने पुढील त्वरित कारवाई करून नव्या 4G किंवा 5G मशीन अवेलेबल करून द्याव्या ही आम्हाला शासनाला विनंती करायची आहे। याद्वारे आम्ही कार्डधारकांच्या वतीनं व आमच्या दुकानदाराच्या वतीनं हे निवेदन सादर केलेलं आहे। आज दिनांक 8/4/2022 आमच्या पॉस्ट मशीन या तहसीलदार साहेब यांच्याकडे जमा करण्यात आलेलं आहे। माननीय संघटनेचे पदाधिकारी सर्व उपस्थित आहेत आणि महाराष्ट्राचे पदाधिकारी यांना दिनांक 11
4/2022 ला मंत्रालय येथे या मशीन बाबत बोलवलेला आहे, त्याकरता आज आमचं आंदोलन आज ठरल्याप्रमाणे आम्ही मशीन जमा करत आहे आणि पुढील कारवाईसाठी निवेदन पण देत आहे। नागपुर के उनखाना चौक पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रवेश द्वार जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और इसके कभी भी गिरने की संभावना है। रात 9 बजे जब एक ऑटो गेट से गुजर रहा था तभी द्वार का एक बड़ा टुकड़ा पहिए के नीचे गिर गया। हालांकि ऑटो पास होने के बाद खंड के ढहने की कोई जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना से यह साबित हो गया कि गेट के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। मुख्य सड़क पर यह प्रवेश द्वार है और कभी भी इसके गिरने की आशंका रहती है, इसलिए इसे जल्द से जल्द ठीक कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग कर रहे हैं। यह जानकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड राजेंद्र साठे ने दी। वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।